श्री राम जय राम जय जय राम श्री अम्नामय महारानी की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री यमुना मिशन की जय श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वे केवल प्रचार और प्रसार के बल पर यश बटोर कर मिथ्या आत्मसंतुष्टि चाहते हैं, लेकिन वस्तुतः वह आत्मसंतुष्टि आत्मवंचना ही अपने साथ किया गया छल ही है। लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है, यहाँ केवल प्रचार प्रसार नहीं है, यहाँ जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। ये ब्रजभूमि की सर्वोच्च सेवा है, लता पता वृक्ष उनको स्थापित करना, अष्ट सखियों के कुंजों का दर्शन किया, ललिता कुंज, विशाखा उपवन, चित्रा उपवन, रंगदेवी उपवन, सुदेवी उपवन। मन बहुत प्रसन्न हुआ जिस समय इस कार्य का शुभारंभ किया गया था, तो उस समय भी हमने इस कार्य को देखा था। जिस क्षेत्र में आप हम सब इतने लोग यहाँ यमुना जी के तट पर खड़े हैं, इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति 5-7 मिनट खड़ा नहीं हो सकता था, इतनी दुर्गंध इस क्षेत्र में थी। आज लाखों वृक्ष, लाखों की संख्या में तुलसी का उपवन देखकर प्रसन्नता होती है, और भारत सरकार के सामने ही नहीं पूरे विश्व के सामने यमुना मिशन ने हमारे अत्यंत प्रिय और आशीर्वाद भाजन बंसल जी ने एक ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जिससे भारतवर्ष की सभी पवित्र नदियों के तटबंध प्रदूषण मुक्त कर किए जा सकते हैं, कचरे का निस्तारण हो सकता है, दूषित जल से नदियों को बचाया जा सकता है। अब हम लोग देखते हुए आए हैं, नालों को उल्टा मोड़ दिया और उन नालों के जल का उपयोग वृक्षों के सिंचन में करके, कचड़े को नीचे दबा करके ऊपर से उसमें मिट्टी डाल करके कचड़ा भी साफ हो गया और ब्रजभूमि का श्रृंगार भी हो गया। आज भारत सरकार श्री गंगा जी को प्रदूषण मुक्त करना चाहती है, गंगा जी की अविरलता निर्मलता का अभियान चल रहा है और चलना ही चाहिए। और यह भी सुनने में आ रहा है प्रामाणिक रूप से कि गंगा जी के साथ, गंगा जी के जो जुड़ी हुई नदियां हैं यमुना आदि, उनमें भी प्रदूषण रोका जाएगा और उनको भी ठीक किया जाएगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि नदियों के तटबंधों को ईमानदारी से सुसज्जित और श्रृंगारित करने का यही तरीका है, और हमारी तो इच्छा है कि माननीय उद्योगशील बिना परिश्रम अहर्निश राष्ट्र की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री जी को यहाँ स्वयं आना चाहिए और इस पूरे क्षेत्र के इस कार्य को देख करके और तत्काल अधिकारियों को आदेशित करना चाहिए कि इस प्रकार से भारतवर्ष की सभी नदियों का सुधार संभव है। बहुत अच्छा कार्य है, मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई। आज हमारे आद्यवारा पीठ के पूज्य श्री महंत श्री राम प्रवेश दास जी महाराज कृपा करके पधारे हैं, हमारे श्री देवेंद्र जी जो यमुना मिशन से हृदय से जुड़े हुए हैं और निरंतर इनके माध्यम से ही हम बार बार आते हैं, पचमणा महाराज आते हैं, सभी महापुरुष आते हैं, और इस बार यमुना दर्शन करने जा रहे थे हमारे ब्रज बिहारी दास जी, हमने कहा चली तो कृपा करके चले आए। श्री शिवराम दास जी, भंडारी जी,
हरदेव दास जी, अनुराग दास जी, सब संतों का मन खूब आह्लादित है, खूब प्रसन्न है। दीनबंधु दास जी ने बहुत अच्छी बात कही, सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि विराट पुरुष परमात्मा का श्रृंगार हम प्रकृति के माध्यम से ही कर सकते हैं। और वस्तुतः ये बिहारी जी का वास्तविक श्रृंगार है। ब्रज वसुंधरा साक्षात राधा कृष्ण का स्वरूप है और हरे भरे वृक्ष लगाना, उनमें उन्मुक्त भाव से सहस्रों गायें और प्राकृतिक चारा प्राप्त करें, तो निश्चित ही वहां आने वालों को ये भाव बनेगा कि इतनी गायें हैं, यमुना जी हैं, इतने वृक्ष हैं, इनके पीछे कृष्ण बलराम गोचरण करते हुए अवश्य होंगे ही। और इस भाव से जब उस झांकी का दर्शन होगा तो भावुकों को निश्चित कृष्ण बलराम की अनुभूति भी होगी। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद। और हम क्या कहें, कितना कहें, आज शारीरिक रूप से थोड़ी हमारी अस्वस्थता है, लेकिन फिर भी देवेंद्र जी ने तो कहा था कि आप रहने दीजिए, लेकिन हमने मन में विचार किया बहुत लंबा समय हो गया और इतने लंबे अंतराल के बाद आज योग आया, तो आज शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन हमने कहा नहीं, मन में कहा कि अच्छे कार्य के लिए जहां तक तनिक भी सामर्थ्य से समय देना चाहिए, इसी भाव से हम यहां आए। पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी के शिष्य हैं प्रदीप बंसल जी, तो ऐसे महान सदगुरु का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। और सबसे ऊंची बात महाराज जी ये है, न चंदा देना न चंदा लेना। यमुना जी, गिरिराज जी, महापुरुष गुरुजन, उस एक व्यक्ति के माध्यम से इतना बड़ा कार्य कर, और ईमानदारी से दिल्ली सरकार, भारत सरकार, प्रदेश सरकार और बीच में जो भी प्रदेश पड़ते हैं हरियाणा आदि, वो सहयोग करे, तो हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि हथनी कुंड से लेके ब्रजभूमि तक नहीं, प्रयाग तक यमुना जी के स्वरूप को यमुना मिशन ही ठीक कर ले। महाराज जी, आज आप यहाँ आए और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे ब्रज भूमि जो कन्हैया की भूमि है और वहां पर जब यमुना मिशन कार्य कर रहा है और वहाँ संतों का, परम पूज्य संतों का हमें आशीर्वाद मिल रहा है और उनके द्वारा वृक्षारोपण करते हुए देखना हमारे लिए एक बहुत बड़ी और बहुत सुंदर सुखद अनुभूति है। ये हमारी अनुभूति है, लेकिन आपकी अनुभूति कैसी है? ब्रज मंडल में वृक्षारोपण करना, ऐसे तो संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी वृक्षारोपण किया जाए, हमारी प्रकृति को संभालना है और प्रकृति को हमारे यहाँ ठाकुर जी का स्वरूप माना जाता है, भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए वृक्षों को लगाना, प्रकृति को संभालना, भगवान का श्रृंगार करना ही है, इससे ठाकुर जी का ही श्रृंगार होता है। तो देख करके सबको प्रसन्नता हो, केवल संतों को ही नहीं, सभी को ये कार्य करना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है और भी कार्य हो रहे हैं, सभी लोग करते हैं, पर वृक्षों को लगा करके अपनी प्रकृति को संभालना जो वर्तमान काल में बहुत बहुत आवश्यक है, इससे ठाकुर जी भी प्रसन्न होंगे और जितने भी लोग हैं, जनता है, उन सबको भी शुद्ध ऑक्सीजन, पवित्र वस्तुएं प्राप्त होंगी, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो हम ठाकुर जी की और समाज की दोनों सेवा वृक्षों को लगा करके कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता हुई यमुना मिशन का जो कार्य है, पूर्व में भी महाराज जी के साथ, गुरुदेव के साथ कई बार आने का अवसर मिला, इस बार पुनः आए हैं और देख करके मन बहुत गदगद है, बहुत प्रसन्न है। यमुना मिशन को खूब खूब हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, ऐसे कार्य संपूर्ण भारत में हो अगर तो संपूर्ण प्रकृति हमारी समर जाएगी और ठाकुर जी खूब प्रसन्न रहे। महाराज जी, आज आप यहाँ आए, यमुना मिशन के कार्यों को देखा और यमुना मिशन के जो विभिन्न स्थल हैं जहाँ पर यमुना मिशन ने कार्य किया है, जहाँ वृक्षारोपण भी आपने किया, आज आपकी कैसी अनुभूति रही, इसके विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठाकुर जी कृपा से देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत समय से अकाल पड़ रहा है, वर्षा नहीं होती है, लेकिन मथुरा के इस यमुना जी के
पावन पुलिन पर आकर के यमुना मिशन के द्वारा बंसल जी ने जो वृक्ष वंश की वृद्धि की है उसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ तो सदा सर्वदा सुहावना श्रावण ही है, इतनी हरियाली है। बहुत सुंदर। श्री यमुना महारानी की जय।